नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर के महापौर ने आत्महत्या की धमकी दी है। बता दें आपको, एजाज रेबर ने एसएसपी कार्यालय पहुंचे, खुदकुशी की धमकी उनके द्वारा दी गई। प्रदर्शन में मौजूद 25,000 लोगों पर एफआईआर की मांग भी उनके द्वारा की गई। एजाज रेबर ने खुद पर एफआईआर जो की हुई है शून्य करने की मांग की है। राजधानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डेवर पर पुलिस से अभद्रता के आरोप लगे। और आपको यह भी बता दें कि डेवर ने यह कहा है कि 25,000 लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर भी एफआईआर करें, उन्होंने भी ये सब किया था। और आत्मदाह की धमकी उनके द्वारा दी गई। कहा शून्य करें, मेरे ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को या तो सब पर एफआईआर की जाए। ये बड़ी बात एजाज ढेबर के द्वारा कही गई है। एसएसपी कार्यालय वो पहुंचे और उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपके नाम से चिट्ठी लिखकर जाऊंगा, जिम्मेदार आप होंगे। तो वहीं आईपीएस ने जवाब भी दिया कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आप जो डिसाइड करें वो आपकी मर्जी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, एसएसपी कार्यालय पहुंचे, एसएसपी साहब से एजाज रेबर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और इसके जिम्मेवार आप होंगे, मैं चिट्ठी लिखकर भी जाऊंगा। जाहिर तौर पर जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के दौरान जो है महापौर एजाज जेबर पर अभद्र व्यवहार जो है वो एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें जाहिर तौर पर साफ तौर पर दिखा था कि वो पुलिस को जो है बीजेपी ने ट्वीट किया था और कहा था कि वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ ही गाली भी जो है वो दे रहे हैं। व्यवहार जो है वाकई एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर देखा जाए तो एजाज ढेबर का जो ये व्यवहार है वो बिल्कुल जो है इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, प्रोटेस्ट करना अलग बात होती है और जो पुलिसकर्मी है वो भी अपना काम करते हैं तो एक सम्मान जो है वर्दी का होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो उपयोग का उन्होंने जो जिस तरह की भाषा जो है इस्तेमाल की थी वो कहीं भी जो है इस तरह से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनके वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी एफआईआर को लेकर के वो एसएसपी से मिलने के लिए गए थे और यहां पर उन्होंने सीधे सीधे उन्हें ये धमकी दे दी कि अगर जो है एफआईआर वापस नहीं ली गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। और इस पर जो है एसपी ने भी जवाब दिया कि आपको जो करना है वो करिए, हमने वो कानून व्यवस्था के हिसाब से जो है हम काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह है कि इस पूरे मसले को लेकर आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन आपका नाम लेकर मैं जो है वो आत्महत्या कर लूंगा ये भी अगर भाषा एजाज जेबर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस भाषा पर भी जो है वो गौर करना चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस इस भाषा को किस तरह से लेती है, लेकिन ये जरूर है कि ये पूरा मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और ऐसे समय में जब एजाज जेबर जो है वो एसएसपी से मिलने गए थे और उन्होंने अब धमकी दी है कि वो आत्महत्या कर लेंगे अगर जो है एफआईआर जो है वो शून्य नहीं की जाती, या फिर उनका कहना है कि तमाम जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट में उतरे थे उनके ऊपर एफआईआर की जाए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है एजाज जेबर के बयान और एजाज जेबर के जो उस समय जो वीडियो आए हैं उसके साथ कितनी खड़ी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर कुछ भी कहने से उस समय मना कर दिया था। तो देखना यह है कि यह मामला जो है आने वाले समय में किस तरह से तूल पकड़ता है या फिर इस मसले में क्या होता है, लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी को सियासत का मौका तो मिल ही गया है। जी, बाकी देखने वाली बात होगी। अब देखिए, पहुंचे तो हैं वो एसएसपी दफ्तर, साथ ही साथ धमकी भी दी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की धमकी देना शोभा नहीं देता शायद। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे वैधानिक कार्रवाई की बात तो हो रही है पर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ममता, आगे बढ़ते हैं। रायपुर में ठगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरेस्ट हुआ है। बता दें शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का आरोप इस पर है। आरोपियों के खिलाफ 80 थानों में एफआईआर भी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 10 कार बरामद की गई, 4 मोबाइल, लैपटॉप, 7 डेबिट कार्ड बरामद किए गए, 8,00,000 रुपए बैंक खाते में होल्ड किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, ठगी के ये आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, पढ़े लिखे ही अक्सर इस तरह की वारदातों को आजकल अंजाम दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठगी में लिप्त था, गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी तक जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 ठग हैं आशीष और विकास, इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा देने के नाम पर डॉक्टर प्रकाश गुप्ता को ठगी का शिकार इन लोगों ने बनाया था। 74,00,000 रुपए की मोटी रकम
उससे ठग लिए थे और ये ठग इसी तरह के जाल बुनते हैं। पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, कुछ दिनों तक मुनाफा भी देते हैं फर्जी अकाउंट के माध्यम से, उसके बाद जब लाखों रुपए इनके अकाउंट में आ जाता है, कोई इनके झांसे में आते हैं, तो उसके बाद ये पूरा व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर देते हैं। जो आरोपी पकड़े हैं वो इस तरह के जो ठग हैं उनको बैंक का अकाउंट, सिम कार्ड जैसे जो चीज़ है वो लगातार उपलब्ध कराते हैं। तो अभी फिलहाल एक कार है वो जब्त किया गया है, बैंक अकाउंट है जब्त किया गया है, और जो एक मोटी रकम है, जो राशि बैंक में इनके थी, उन्हें पुलिस ने होल्ड कराया है। अगर हम शेयर ट्रेडिंग के ठगी का जाल देखेंगे तो दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। अधिकांश लोग अब शेयर ट्रेडिंग में अपना जो ध्यान है वो दे रहे हैं, कुछ लोगों को मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन इसी का फायदा ये उठा रहे हैं और लाखों रुपए का चूना लगाकर ये चंपत हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और आमा नाका में इस मामला दर्ज हुआ था, डॉक्टर को इसने ठगी का शिकार बनाया था। तो आप सोच सकते हैं 74 लाख रुपया किसी की गाड़ी कमाई को निकालना, उसके बाद फरार हो जाना, इसी तरह का ये ट्रेड है वो लगातार चल रहा है और ये जो ठग है बाकायदा गिरोह बनाकर इस ठगी को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। जगदलपुर में फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का आरोप है। बता दें 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। फर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 28 लाख रुपए की ठगी को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। ऐप से ठगी को अंजाम भी देते थे आरोपी। 8 मोबाइल, 3 स्वाइप मशीन बरामद की गई है, स्कैनर, कई पासबुक, क्रेडिट कार्ड भी इन लोगों से जब्त किए गए हैं। तो शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के आरोप इन पर लग रहे हैं और गिरफ्तारी भी अब हो गई है। बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। जगदलपुर से फ्रॉड गिरोह है ये जिसका खुलासा हुआ है। नगरनार थाना क्षेत्र में प्रार्थी अजीत सिंह ठाकुर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आया था। उन्होंने ऐप डाउनलोड किया ICICI सिक्योरिटी के नाम से और उस पर अलग अलग करके अमाउंट्स उन्होंने डाले शेयर ट्रेडिंग के नाम से और लगभग 28 लाख रुपए की रकम उन्होंने उस शेयर ट्रेडिंग। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ये गिरोह का फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है, 25 लाख की ठगी को भी इन्होंने अंजाम दिया था। आखिर शुरुआती जांच में, पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पा रहा है गिरफ्तारी में? जी बिल्कुल, ये मामला पूरा नगरनाथ थाना क्षेत्र का है। जब मई माह में एक युवक जो फर्जी जो शेयर मार्केट उसको ऐप को डाउनलोड कर दिया था और धन निवेश के लालच में, अधिक पैसे कमाने के लालच में ये कुछ पैसे डाला भी था, जिसके बाद इसके पास कुछ पैसे आने भी लगे थे। लेकिन जब ये बड़ी रकम डाला तो उसके बाद पता चला इसके साथ 28 लाख रुपए की ठगी हो गई थी, जिसके बाद बस्तर पुलिस तक मामला पहुंचा और बस्तर पुलिस ने मामले पर टीम बनाया। साइबर की टीम थी, नगरनाथ पुलिस की टीम थी और इन टीम को गुजरात भेजा गया, जहां से 6 आरोपियों को पकड़ के गुजरात से बस्तर पुलिस जगदलपुर लौटी है। उनके कब्जे से मोबाइल स्कैनर के साथ जो फर्जी जो पासबुक साथ क्रेडिट कार्ड भी जब्त किया है। साथ ही ये जो आरोपी है ये देश के बाहर विदेश मतलब दुबई से संचालन करते थे और इस प्रकार ठगी का शिकार लोगों को करते थे, जिसके बाद बस्तर पुलिस ने, बस्तर SP ने जो फर्जी फेसबुक जो डाला गया है अकाउंट उसको लेकर शिकायत भी की है और मामले में अभी फिलहाल पूरी तरह से जांच की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, धमतरी का जिक्र करेंगे। महानदी के रुद्री बैराज से छोड़ा गया है पानी। बता दें 1481 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी किनारे गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश से लगातार हालात भी बिगड़ रहे हैं। लगातार बारिश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में और हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ में लगातार हम बारिश देख रहे हैं, अलग अलग जिलों में बारिश का रौद्र रूप देख रहे हैं, वहीं अब रुद्री बैराज से पानी भी छोड़ा गया है। गंगरेल बांध से लगा हुआ है रुद्री बैराज और वहां पर से 1481 क्यूसेक पानी अभी महानदी में आज छोड़ना शुरू किया गया है। एहतियातन जो तटीय गांव है ना महानदी के, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग नदी में के आसपास दूर रहें और सावधान रहें। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि गंगरेल बांध के पीछे कनेक्टेड 3 बांध है, सहायक बांध और गंगरेल बांध, सभी में जल स्तर काफी अच्छे स्तर पर पहुंच गया है और लगातार
बारिश भी हो रही है, पानी का आवक भी बना हुआ है, इस लिहाज से ये पानी छोड़ा जा रहा है ताकि पानी की अगर